मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर का एक पद और उस आधार पर कुछ विचार। सद्गुरु कबीर कहते हैं, यमते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भये हैं मीता, साकट उलट सुजन भये चीता। अब मोहि सर्व कुशल करी मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तन्मह होते कोट उपाद, उलट भये सुख सहज समाद। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। कहें कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। यमते उलट भये हैं राम। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यमराज पलट कर राम हो गया। यमराज की जैसी परिकल्पना है, उस परिकल्पना के आधार पर यह माना जाता है कि यमराज बांधने वाला है, डुबाने वाला है और पीड़ा देने वाला है। इसके विपरीत राम छुड़ाने वाला है, तारने वाला है और सुख आनंद देने वाला है। जो अब तक हमें डुबा रहा था, अब जीवन ऐसा बदला कि समय में परिवर्तन ऐसा हुआ कि अब हमें वो तारने वाला छुड़ाने वाला बन गया है। वो यम कौन जो राम बन गया है? मान्यता यह है कि ऊपर आकाश में कोई एक लोक है जहाँ मर मर कर प्राणी पहुँचते हैं, और वहाँ का जो मालिक है, वहाँ का जो व्यवस्थापक है, प्राणियों के कर्म अकर्म का लेखा जोखा जो करने वाला है वो यमराज है। यमराज मौत का देवता, लेकिन ऊपर ऐसा कोई लोक नहीं है और ऐसा कोई यमराज नहीं है जो मौत का देवता हो, जो प्राणियों को मारने वाला और बांधने वाला हो। ये तो एक भावना है, कल्पना है। और ऐसा कोई राम भी नहीं है जो ऊपर आकाश में बैठा हुआ हो और हमें तारने वाला हो। ऊपर नीचे की बात एक सापेक्ष है। किसे आप ऊपर कहेंगे और किसे आप नीचे कहेंगे? हम धरती में रहते हैं, धरती में हमारा जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है, और इसी धरती में रहते रहते एक दिन हमारी मौत हो जाएगी।
हम धरती से ऊपर जा नहीं सकते, कहीं बाहर धरती में रहते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं तो चंद्रमा आकाश में है, सूरज आकाश में है, अनेक तारे आकाश में हैं, वर्षा आकाश से होती है, बिजली आकाश में चमकती है। तो हम मानते हैं कि ऊपर कोई लोक होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। धरती पर रहने के कारण जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो ऊपर चंद्रमा दिखाई पड़ता है, लेकिन आप कल्पना करो, आप अंतरिक्ष यान में बैठकर चंद्रमा में चले जाओ तो आपको चंद्रमा नीचे लगेगा, धरती ऊपर लगेगी। मंगल में चले जाओ तो मंगल नीचे लगेगा, धरती ऊपर लगेगी। ये सब तो अनंत ब्रह्मांड में घूम रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी धुरी पर। जिस लोक में जहां आप रहेंगे, यदि मान लो कल्पना करो कि आप सूरज पर भी चले जाओ तो सूरज आपको नीचे लगेगा, धरती ऊपर लग जाएगी। तो ऊपर नीचे एक सापेक्ष कथन है बस। ऐसा कोई लोक नहीं है जहां मर करके प्राणी पहुंचते हों, और वहां ऐसा कोई स्वर्ग नरक लोक भी नहीं है जहां पाप पुण्य कर्मों का फल भोग मिलता हो। जो यम रात दिन हमें परेशान कर रहा है, वह यम कौन है और उस यम से हम कैसे बच सकते हैं, वह यम राम कैसे बन सकता है? कोई ऊपर मान लो लोक है, यमराज है, तो हमारी उससे मुलाकात तो नहीं है, लेकिन एक यम ऐसा है जो हमारे साथ रात दिन लगा हुआ है। वो कौन? हमारा अपना गंदा मन, हमारा अपना चंचल मन। और हर आदमी ने अपने मन को गंदा बना रखा है। जितना मन विकारी होगा, जितना मन गलत बात सोचेगा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर, विरोध, लड़ाई, झगड़ा, राग द्वेष की बात, उतना ही मन यमराज बनता चला जाएगा। कहीं भी चले जाएं, मन तो साथ रहेगा। मन को छोड़ोगे कैसे? मन ही तो मूल है, और मन को बना रही है गंदा। तो जितनी गंदगी में मन डूबेगा, ईर्ष्या, द्वेष, राग द्वेष आदि में, कलह कल्पना में, उतना मन दुख देने वाला बनेगा। हमारा गंदा मन ही हमको दुख दे रहा है, इसके अलावा दुख देने वाला दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। कोई शैतान नहीं है दुख देने वाला, शैतान हमारा गंदा मन। और इसी मन को राम बनाना है। संतों की संगत मिली, थोड़ी सद्बुद्धि जगी, विचारों ने पलटा खाया, अच्छी बातों में मन को लगा दिए, अच्छा चिंतन करने लग गए मन से, अच्छा सोचने लग गए, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति, धर्म की बात, यही मन राम बन गया, भगवान बन गए, तारने वाला बन गया। मन जैसा शैतान आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, यदि मन गंदा है तो। और मन जैसा भगवान जो सदैव पास में रहता हो हमारे, कहीं मिलने वाला नहीं है, यदि मन निर्मल और पवित्र हो तो। कबीर साहब कहते हैं, यमते उलट भये हैं राम, जो हमारा मन
हमें रात दिन परेशान कर रहा था, दुख दे रहा था, संतों की संगति मिली, सत्साहित अध्ययन हुआ, अब मन ज्ञान विवेक विचार दया क्षमा धर्म भक्ति में लग गया, तो अब ये राम बन गया है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मानस की ये चौपाई आप लोगों में से बहुतों को याद होगी कि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, जंगल में रहते थे, राहगीरों को लूटते थे और लूटने के बाद उन्हें मार डालते थे और उन राहगीरों से जो कुछ मिलता था उसी से परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एक दिन सप्तऋषि मिले, रत्नाकर ने उन सप्तऋषियों से भी कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सामने रख दो। कई उन्होंने कहा क्यों ऐसा करते हो परिवार पालन करने के लिए, क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पाप कर्मों में भागी बनेंगे कि क्यों नहीं बनेंगे, जब मेरी कमाई का भागीदार है पाप के भागीदार बने, पूछे। सब ने कह दिया हम तुम्हें कहाँ कह रहे हैं पाप करने को, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारा पालन पोषण करना, तुम कैसे कर दो ये तुम जानो, हम तुम्हारे जो धन हैं उसके भागीदार हैं, पाप के भागीदार नहीं हैं। दृष्टि खुली, सप्तऋषियों के चरणों में पड़ गए, कहा मेरे कल्याण का रास्ता बताएं। तो कहा ऋषियों ने राम राम कहो, तो रत्नाकर ने कहा कि मैं राम राम नहीं कह सकता, ये तो करूंगा नहीं, मैं तो मारने का काम किया है, राम राम को तो राम राम तो कह रहा है लेकिन कहते मैं राम राम नहीं कह सकता, कह तो रहा है ना, तो कहानी है। तो ऋषियों ने कहा तुम राम राम नहीं कह सकते तो मरा मरा कहो, मरा मरा कहोगे राम राम हो जाएगा, तो राम का उल्टा होता है मरा। तो मरा मरा जपते गए, राम राम हो गए, एक दिन रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। ये कहानी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हत्यारा से हत्यारा और कसाई से कसाई भी राम राम कह सकता है, कहलवाकर देखो जरा, कोई भी कह सकता है। तो उल्टा में मतलब क्या है, वाल्मीकि पहले लूटने का मारने का हिंसा हत्या करने का काम करता था, अब वो उल्टा नाम जग गया, कर्म बदल दिया, सही रास्ते पर आ गए, ज्ञान में भक्ति में संयम में साधना में लग गए, ये उल्टा नाम जपना है। गलत कर्मों को त्याग करके सही कर्म करना, ये उल्टा नाम जपना है। लड़ाई झगड़ा द्वेष प्रपंच को छोड़ करके प्रेम क्षमा करना, सेवा का व्यवहार करना, ये उल्टा नाम जपना है, यही रास्ता है। तो जो हमारा मन गलत रास्ते में जा रहा था, गलत चिंतन में डूबा हुआ था, अब सत्संग पाकर, संतों की संगति पाकर, संतों से ज्ञान पाकर रास्ता बदल दिया, अब वह मन ज्ञान में भक्ति में सेवा साधना में लग गया, तो राम बन गया। हमारा ही मन हमको दुख देने वाला है और हमारा ही मन हमको सुख देने वाला है, हमारा ही मन हमारे लिए स्वर्ग बनाता है और हमारा ही मन हमारे लिए नरक बनाता है। जो हम पूजा करते हैं, धर्म का काम करते हैं, भक्ति का काम करते हैं, सत्संग का काम करते हैं, सबका परिणाम होना चाहिए कि जो मन नरक बना रहा था उसको स्वर्ग बनाने का काम सौंप देना। धर्म भक्ति पूजा पाठ सबका परिणाम, जीवन का परिवर्तन है,
और जीवन परिवर्तन का अर्थ होता है मन का परिवर्तन। मन बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। मन बदलेगा वाणी बदलेगी, मन बदलेगा कर्म बदलेगा, और मन वाणी बदली कर्म बदले तो जीवन बदल जाएगा। पाप कर्म खत्म हो गए, अब पुण्य की कमाई होने लग गई, मन राम बन गया। यही काम हमें करना है, सत्संग इसीलिए आवश्यक है, धर्म भक्ति पूजा पाठ इसीलिए आवश्यक है। मान्यता आपकी चाहे जो हो, मान्यता से जीवन नहीं बदलेगा, पूजा से जीवन नहीं बदलेगा, पाठ से जीवन नहीं बदलेगा, गंगा नहाने से जीवन नहीं बदलेगा, कोई नाम जपने से जीवन नहीं बदलेगा, जीवन बदलेगा मन बदलने से। और मन बदलने का अर्थ क्या है? जो विकारी चिंतन है, विकारी बातें हैं, जिन बातों को सोचने से मन में उत्तेजना आती है, मन चंचल होता है, तनावग्रस्त होता है, उनको छोड़ करके ऐसा चिंतन करना जिससे उत्तेजना शांत हो, मन में शांति आए, प्रसन्नता आए, निर्भयता आए। ऐसा मत देखो, देखना तो पड़ेगा जीवन भर, देख करके रास्ता चलें, देख करके काम करेंगे, लेकिन जिस देखने से मन चंचल होता हो, मन में लोभ जगता हो, मन में उत्तेजना आती हो, ऐसा देखना बंद करके ऐसा देखो कि देखने से मन में शांति आती हो, प्रसन्नता आती हो, अच्छी प्रेरणा जगती हो। ऐसी कोई बात मत सुनो जो बात सुनने से ईर्ष्या बढ़ती हो, द्वेष बढ़ता हो, कलह बढ़ता हो, ये बात सुनने से मन में उत्तेजना आती हो, चंचलता आती हो। किंतु ऐसी बातें सुनो जो सुनने से मन में प्रसन्नता आती हो, अच्छी प्रेरणा मिलती हो, अच्छे भाव जगते हो, क्लेश घटता हो, तनाव घटता हो, चिंता घटती हो, प्रसन्नता बढ़ती हो। यही है यम का राम बन जाना। जीवन पर्यंत हमें अपने मन से काम लेना होगा। जब तक जीवन है तब तक मन से काम लेना होगा। कोई बचेगा नहीं, लेकिन मन से काम लेते समय सावधान रहना है कि मन किधर जा रहा है, क्या सोच रहा है। इसे विवेक विचार में लगा दें, भक्ति सेवा में लगा दें, राम बन जाएगा, दुख खत्म। तो यमते उलट भय हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। चूंकि यमराज राम बन गया, शैतान भगवान बन गया, तो अब दुख खत्म, अब तो विश्राम सुख में हो रहा है। दुख बाहर कहीं नहीं है, ये समझना होगा। बाहर प्रकृति में केवल घटनाएं घटती हैं, और जो मनुष्य हैं अपने अपने मन के अनुसार काम करते हैं। घटनाओं में न घाटा है न मुनाफा है, न सुख है न दुख है। लोगों के व्यवहार में घाटा मुनाफा सुख दुख नहीं है, घाटा मुनाफा सुख दुख हमारे सोचने में है। ये हमारा मन सुख बनाने का दुख बनाने का कारखाना है। जैसा हम हमारी मान्यता होती है, जिस ढंग से हम किसी घटना से अपने को जोड़ते हैं, उस ढंग से हमें सुख दुख का अनुभव होता है। जैसे एक उदाहरण ले लें, मौत। मौत का नाम सुनते ही आदमी भयभीत हो जाता है। सर्वाधिक सबसे बड़ा भय मौत का भय। अब मौत दुखदाई है या सुखदाई है? मौत एक घटना है, मौत तो सबकी होगी, जिसका जन्म हुआ उसकी मौत तो होगी।
मौत होना, किसी की मृत्यु होना एक घटना है, लेकिन वो घटना सुखदाई है या दुखदाई है? लोग कहेंगे मौत तो दुखदाई है। आपके परिवार में किसी की मौत हो गई, कहता हमारे परिवार में मौत हो गई, बहुत दुख है, बहुत दुख है, मौत तो दुखदाई है? नहीं, दुखदाई नहीं है। आप अपना मानते थे, ये मेरा व्यक्ति है, मेरे परिवार के लोग हैं, इसलिए उस मौत से आपको दुख हो रहा है, आपने जोड़ रखा है। लेकिन आप जरा ये सोचो, जो आपका बैरी है, भयंकर बैरी है, उसकी मौत हो जाएगी, रोग के हंसोगे, खुशी मनाओगे ना, बटासा बांटोगे, अरे मौत तो मारा, एक के मरने पर तो रो रहे थे कि मरने पर तुम एक मरने पर मिठाई बनोगे, हे भगवान अच्छी कृपा की है, भगवान जाकर वंदना करो, मिठाई चढ़ाओ भगवान को भी, अरे मौत तो मौत ना, आपने कैसा जोड़ा जोड़ा उस मौत की घटना से। एक उदाहरण ले लो, आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये कहीं गिर गए या किसी ने आपकी जेब काट दी, आपको पता चला, आप बहुत दुख होंगे, यार 10,000 की मेरा घाटा हो गया। लोगों से कहेंगे भैया कितना जमाना है, कलयुग का जमाना है, मेरी जेब काट दी क्या, आप 10,000 रुपये गिरा, आपका नुकसान हुआ, बहुत दुखी, मात्र 10,000। लेकिन कल्पना करो, आप 1,00,000 रुपया लेकर के जा रहे थे, पहले तो आपको 10,000 रुपये जेब काटने से आप नुकसान हो गया, आप दुखी हैं, 1,00,000 रुपया लेकर के आप जा रहे थे, सुनसान रास्ता था, एक बदमाश मिला, पिस्तौल निकाली और आप छाती में लगा कर के जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो, नहीं तो मार डालूंगा, जो है तो छीन ही लूंगा तुम्हें, नहीं तो तुम्हारी जान भी ले लूंगा। आप 1,00,000 रुपये दे दोगे, भैया भले 1,00,000 रुपये गया, जान तो बच गया, खुद हो जाओगे, है ना, 10,000 जाने से आप दुखी हो गए, 1,00,000 के बचने से भगवान बड़ी कृपा किया, जान बचा दिए। अरे अरे 10,000 जाने दुख है तो 1,00,000 जाने पर दुख 10 गुना होना चाहिए था, लेकिन दुख नहीं हुआ, जान बच गई, लाखों पाए कह रहे हो, तो केवल घटना घट रही है ना, सुख बना रहे होगे दुख बना रहोगे, जैसा जोड़ोगे वैसा सुख दुख होता है। तो बाहर प्रकृति में केवल घटनाएं घटती है, लोग अपना अपना व्यवहार करते हैं, उन घटनाओं को और लोगों के व्यवहार को हम किस रूप में लेते हैं, तो सुख और दुख बाहर कहीं नहीं है, सुख दुख हमारी मान्यताओं पर है, हमारे सोचने के ढंग पर है। यहां प्रसंग यह है, यमराज चूंकि राम बन गया है, शैतान भगवान बन गया, इसलिए अब दुख खत्म, दुख बिन से दुख का विनाश हो गया, सुख की ओर विश्राम, अब हर समय सुख में ही विश्राम हो रहा है, सुख में ही जीवन व्यतीत हो रहा है, पूरी जिंदगी आप सुख में विश्राम करते हुए जी सकते हैं पूरी जिंदगी। अब ये मानव जीवन सुख से जीने के लिए मिला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आदमी सुख से कम जीता है, दुख में ज्यादा जीता है। क्यों? क्योंकि इच्छाओं के पीछे आदमी भाग रहा है। सबसे बड़ा दुख है आदमी का मन के अनुसार न होना, इच्छा पूर्ति न होना। लेकिन दुनिया में कौन ऐसा हुआ है जिसके मन के अनुसार सब कुछ हुआ है और जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? कौन ऐसा व्यक्ति हुआ है जो लोगों के सारे व्यवहार को अपने मन के अनुकूल बना सका हो? हर आदमी के पास अपना मन, जो जैसा समझता वैसा करता है, अपने मन को हम नियंत्रण में रखें,
अपनी सोच को हम सकारात्मक बना करके रखें, दुख खत्म हो जाएगा, पूरी जिंदगी सुख में ही विश्राम होगा। और सुख में विश्राम करने के लिए ही धर्म का मार्ग है, पूजा भक्ति का मार्ग है, संयम सेवा साधना का मार्ग है। और ये सब करते हुए भी दुख में जिंदगी जी रहे हैं, मतलब हमारा धर्म बाहर बाहर तैर रहा है, जीवन में मन में नहीं उतर रहा है। धर्म जीवन उतरने का अर्थ है दुख का खात्मा और सुख में विश्राम। तो यम ते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भये हैं मीता, सदगुरु कहते हैं जो बैरी था पलट करके मित्र बन गया, वो बैरी कौन? वो बाहर के बैरी नहीं है, और सचमुच देखा जाए तो बाहर कोई बैरी भी नहीं है। जिसकी जैसी समझ है, लोग अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, अपने अपने ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। हमारा बैरी हम खुद हैं और हमारा मित्र हम खुद हैं। सदगुरु कबीर की एक साखी है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर सै। सदगुरु कहते हैं कि बाहर संसार में तुम्हारा बैरी कोई है नहीं, तुम्हारा बैरी है तुम्हारे मन की विकृति, तुम्हारे मन की बुराई, तुम्हारे अपने किए हुए गलत कर्म। अपने मन की बुराइयों को, जीवन की बुराइयों को मिटा डालो, स्वभाव को, संस्कार को, कर्म को, व्यवहार को अच्छे बना लो, फिर संसार में गली गली घूमो, निश्चिंत होकर घूमो, कौन क्या बिगाड़ेगा। व्यवहार खराब, कर्म खराब, स्वभाव खराब, जहां रहेंगे बैरियों की कमी नहीं होगी। स्वभाव बढ़िया, कर्म बढ़िया, व्यवहार आचरण बढ़िया, जहां रहेंगे मित्रों की कमी नहीं होगी। जैसे आप कहते हैं तेरा बैरी फैल, तुम्हारा बैरी तुम्हारी फैल, तुम्हारी बेवकूफी, तुम्हारी गलती, उसको मिटा दो। कहते हैं एक आदमी की पत्नी भाग गई, वो ढूंढने के लिए निकला, एक गांव से होकर गुजर रहा था, चौराहे पर कुछ लोग बैठे थे। उस व्यक्ति ने चौराहे पर बैठे लोगों से पूछा, भैया मेरी पत्नी भाग गई है, इधर से गई तो नहीं, आपने देखा तो नहीं है। कहते थे बहुत ही तितरियां गई है, तुम्हारी पत्नी भाग गई, क्या नाम है? उन्होंने कहा कि भैया मेरी पत्नी भागे में फजीती भाग गई है। आपने देखा कि फजीती? फजीती कौन है? कि मेरी पत्नी का नाम फजीती है, वो भाग गई तो खोदने जा रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम तो बेकूफ है। कहा उन्होंने कहा यार क्या फजीती, बेकूफ जहाँ रहेगा सैकड़ों फजीती मिल जाएगी, एक फजीती क्या खोजते हो? हमारे भीतर बेवकूफ़ी रहेगी ना, फजीहत मिलती रहेगी, जहाँ जाएंगे वहाँ पर सैकड़ों मिल जाएगी, ये एक की बात क्या है। और बेवकूफ़ी मिट गई तब फजीहत की कोई बात ही नहीं है। हम फजीहत से बचना चाहते हैं, अपमान से बचना चाहते हैं, निंदा से बचना चाहते हैं, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी को छोड़ने को तैयार नहीं है। अपनी बेवकूफ़ी छोड़ दें बस, फिर कोई निंदा करता है, अपमान करता, हंसी करता, करने दो, उससे हमारा क्या बिगड़ेगा। सदगुरु कहते तुम्हारा बैरी तुम्हारी बिराइयां, तुम्हारे मन के दोष, और वो हम पार रखे हैं बड़े जतन के साथ, बड़े प्यार के साथ, उनको खत्म कर दें तो बैरी उलट भये हैं मीता। मन की गंदगी मिट गई, इंद्रियां संयत हो गई, मन संयत हो गया, ज्ञान भक्ति में लग गया मन, बैरी मर गया, अब वो मित्र बन गया।
बाहर के जो बैरी हैं, एक बैरी को मारेंगे आप, 10 बैरी खड़े हो जाएंगे, 10 को मारेंगे तो 100 बैरी खड़े हो जाएंगे। बैरी को मारने का तरीका उसकी हत्या करना नहीं है। कोई आपका विरोधी है, दो तरीके से आप निपट सकते हैं उससे। एक तरीका यह है कि सामने जाकर के दो दो हाथ कर लिया जाए, लेकिन सिर्फ विरोध बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब दो दो हाथ करोगे तो दो दो हाथ का फिर चार चार हाथ होगा, फिर आठ आठ सोलह हाथ होता चला जाएगा। एक तरीका यह है कि सामने पास में जाकर के उसके दो दो हाथ कर लिया जाए, लेकिन इससे बैर विरोध और बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, उसके और निकट चले जाएं, मतलब उसके दिल अपने लिए जगह बना लिए, अपने अपनी क्षमा से, अपने उदारता से, अपने प्रेम से उसके दिल में जगह बना ले, बैरी ही मर जाएगा साम, खत्म। ये तरीका है बैरी को मार करके मित्र बनाने का, लेकिन ये तरीका हम अपनाते नहीं हैं। उलझ उलझ कर जिंदगी जीते रह जाते हैं और अनमोल जिंदगी बेकार चली जाती है। तो बैरी उलट भये हैं मीता, मन निर्विकार हो गया, बुराइयां खत्म हो गई, तो जो मन अब तक बैरी बना हुआ था वो मित्र बन गया। साकट उलट सुजन भये चीता, जो साकट था, साकट मतलब निगुरा, अब वो उलट करके सज्जन बन गया। जो दुर्जन था, संतों की संगति पाकर के, अच्छा मार्ग पाकर, वो सज्जन बन गया। साकट यहाँ का प्रयोग करते हैं। साकट कौन? कबीर साहब ने साकट की बड़ी चर्चा की है, लेकिन साकट कौन? साकट का एक अर्थ होता है निगुरा। वैसे साकट का एक शब्द होता है जो मांस मछली मदिरा खाने वाला होता है, और जिसके घर में गंदगी फैली रहती है उसे साकट भी कहा जाता है। और साकट का अर्थ होता है निगुरा, लेकिन निगुरा कौन और सगुरा कौन? जिसने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है, किसी गुरु से जो नामदान नहीं लिया है वो निगुरा है, साकट है। और जो किसी गुरु से दीक्षा ले ली है, किसी गुरु से नामदान ले लिया है, वो सगुरा है। लेकिन ये परिभाषा ऊपर ऊपर की परिभाषा है, ये असली परिभाषा नहीं है। असली परिभाषा कौन क्या है? जो गुरु के बताए रास्ते पर चल रहा है, गुरु ने जो उपदेश दिया है, ज्ञान का, भक्ति का, धर्म का, त्याग का, तप साधना का, जो उस मार्ग पर जो चल रहा है, धर्म के मार्ग पर, प्रेम सेवा के मार्ग पर जो चल रहा है, वह सगुरा है, सज्जन है, भले दीक्षा लिया हो या ना लिया हो, नामदान लिया हो ना लिया हो। और जो गुरु के बताए रास्ते से अज्ञान के रास्ते पर, दुर्गुण के रास्ते पर, दुराचरण के रास्ते पर चल रहा है, दुर्व्यसन के रास्ते पर चल रहा है, लड़ाई झगड़े रास्ते पर चल रहा है, वो निगुरा है, भले वो गले में चाहे 10 कंठी पहना हुआ हो, चाहे भले वो अपने गुरु से रोज नामदान लेता हो, ये से मतलब नहीं होने वाला है। ये मत समझना कि हमने किसी गुरु से दीक्षा ले ली है, कंठी पहन ली, हमने गुरु से अपना नाम दान ले लिया है, बस हमारा हमारा भवबंधन कट जाएगा, धोखा है। बहुत से गुरु लोग ये कहते हैं, हमसे मंत्र दीक्षा ले लो, हमसे नाम दान ले लो, फिर तुम्हारी मुक्ति, दो नंबर के गुरु, धंधेबाज, फिर ऐसा है तो सबके कान फूते चले जाओ ना, सबके सब मुक्त हो जाएंगे, धरती खाली हो जाएगी जल्दी, पाप सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। ये तो शुरुआत है, नाम दान लेने से, दीक्षा लेने से, मंत्र लेने से मन में एक भावना जगती है, बस प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन असली नामदान, असली दीक्षा
गुरु ने जो ज्ञान की बातें बताई है, धर्म को उपदेश दिया है, जीवन में उसका पालन, उसका आचरण, सन्मार्ग में चलना, अभी तो हो नहीं पा रहा है। सोचें, जब से हम किसी गुरु से जुड़े हैं, किसी गुरु से हमने मंत्र दीक्षा ले ली है, कंठी माला ले ली है, नामदान ले लिया है, जब से जुड़े हैं तब से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है, कितने दोष घटे, कितने दुर्गुण घटे, कितने दुराचरण घटे, मन का उलझना कितना घटा, शिकायत करना कितना घटा, कितना प्रेम जगा, कितना संतोष आया, कितना सहनशीलता बढ़ी। यदि ये सब हो रहा है, दोष घट रहे हैं, दुर्गुण दुराचरण घट रहे हैं, गलत खान पान घट रहा है, उलझना घट रहा है, तो समझना आपकी आपका दीक्षा लेना, आपका नामदान लेना सफल हो गया है, आप गुरु के भक्त हैं। और नहीं तो केवल दिखावा का हो रहा है, और दिखावा में हम ज्यादा विश्वास करते हैं। एक जगह मैं गया था, दिल्ली की बात है, दिल्ली में कार्यक्रम था, गया था, कुछ महिलाएं मिलने के लिए आई, बातचीत होने लगी, तो उनमें से एक देवी ने पूछा, साहब महाराज आप नामदान देते हो? मैं कहा क्यों पूछ रहे हैं, बात आवश्यकता क्या है पूछने की? तो कहने आप बताइए, आप नामदान देते हैं कि नहीं देते हैं? मजबूर है भाई, लोग चाहते हैं तो देना भी पड़ता है, नामदान दीक्षा तो देना पड़ता है। तो कहा आप कौन सा नाम देते हैं और कितना नाम देते हैं? मैं कहा कौन सा नाम कितना नाम से मतलब क्या है? अरे नाम तो नाम है, और नाम में कितना नाम से क्या है? नहीं बताइए आप कितना नाम देते हैं। मैं कहा कि बताओ, अब मैं कहा बताओ तुम्हें कितना नाम चाहिए, जितना कहो उतना नाम सुना दे, एक नाम, दो नाम, तीन नाम, पांच नाम, दस नाम, पचास नाम, सौ नाम, इससे क्या मतलब होता है? ये तो मन को बांधने के लिए एक तरीका है। कह दिया, देखो हम तो नामदान ले रहे हो, बताना मत, बताओगे तो नरक में जाओगे, कहीं नरक में नहीं जाओगे, याद रखना। किताब में लिखकर भी छाप दोगे ना तो तुम्हें नरक नहीं मिलेगा, यदि जीवन में सदाचरण है तो। और नामदान तो नामदान बताते तो नहीं हो, लेकिन जीवन में दुर्गुण है, दुराचरण है, तो नरक में ही जाओगे, नामदान कुछ नहीं करेगा, नामदान से क्या होने वाला है? बात मैं ये कह रहा था, साकट उलट सुजन भय चीता, साकट निगुरा सज्जन बन गया, दुर्गुनी मन सगुनी बन गया, गंदा मन निर्मल बन गया, दुर्जन सज्जन बन गया। ये साधु संगति का परिणाम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी को बराबर साधु संगति करते रहना चाहिए। कब कौन सी बात मन में लग जाए और जीवन बदल जाए, क्या ठिकाना है? हमारा मन बदलता रहता है, बराबर वही बात सुनते रहते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता। कभी ऐसा होता है कि वही बात चुभ जाती है, जीवन बदल जाता है। कहीं भी रहें, समय निकाल कर संतों की संगति करते रहें, कहीं के भी संत हों, किसी मत के हों, किसी परंपरा के हों, किसी संप्रदाय के हों, अच्छे संत चाहिए बस। त्यागी हो, वैरागवान हो, चरित्रवान हो और ज्ञानी हो, ये संत की कसौटी है बस। कौन कपड़ा, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा, पीला कपड़ा, बिना कपड़ा कि कपड़ा वाला, कोई मतलब नहीं होता है। संत केवल संत होते हैं। कल बात आई थी, जिसका मन शांत है
या जो अपने मन को शांत करने के लिए साधना कर रहा है वो संत है, किसी भी कपड़े में हो। जिसका मन अशांत वो संसारी, जिसका मन शांत वो संत। बस इतनी संसारी और संत कितनी पहचान है। हमें जीवन में शांति की आवश्यकता है, वो मिलेगी कहाँ से? मिलेगी तो कहीं तो नहीं, वो हमारे भीतर है, लेकिन प्रेरणा कौन देगा? जिसने अपने मन को शांत कर लिया हो या शांत करने के लिए जो साधना कर रहा हो, प्रेरणा तो वही देगा ना। जो स्वयं अशांति में डूबा हुआ है वो दूसरों को शांति का रास्ता क्या बताएगा? अब बताएगा भी तो प्रभाव क्या पड़ेगा? तो साकट उलट सुजन भई चीता। साकट संतों की संगति मिली, उपदेश मिला, सच्चा रास्ता मिला, तो जो दुर्जन था दुख देने वाला अब सज्जन बनकर सुख देने वाला बन गया है। अब मोहि सर्व कुशल करी मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। सदगुरु कहते हैं अब तो जीवन में सब कुछ कुशल कुशल है, मंगल ही मंगल है। और जब गोविंद को जान लिया तो जीवन में शांति आ गई। कुशलता किसमें है? सदगुरु कबीर की एक साखी है, कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल कहे कुशल न होए, कुशल कहे न कोए, जरा मुई न भय मुआ कुशल कहाँ से होए। साहब कहते हैं कुशल है कुशल है, सब कह रहे हैं कुशल मंगल है, जरा नहीं मुई, बुढ़ापा का दुख दूर नहीं हुआ और मन की तृष्णा दूर नहीं हुई, कहाँ कुशल मंगल है? कुशलता किसमें है? तृष्णा के शांत हो जाने में। कुशलता किसमें है? मन में संतोष हो जाने में, शिकायत मिट जाने में। धन में कुशलता नहीं है, पद में कुशलता नहीं है, सम्मान में कुशलता नहीं है। अति कुशलता क्या है? अति कुशलता है मन की शिकायत मिटने में, असंतोष मिटने में। और मन शिकायत से भरा हुआ है, असंतोष से भरा, हाय 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 हाय, जिंदगी भर आदमी हाय हाय करता रह जाता है, रोते रोते पैदा होता है, शिकायत करते जीता है और पछताते पछताते हाय हाय करते करते मर जाता है। रोते रोते पैदा होना प्रकृति का नियम है, इसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन शिकायत करते जीना, हाय हाय पछताते पछताते मरना, ये जिंदगी की हार है। जीवन को हमने सही ढंग से जिया नहीं है। जो जीवन को सही ढंग से जी लेगा वो पछताते पछताते मरेगा नहीं, रोते रोते मरेगा नहीं, वो तो हंसते हंसते मरेगा। कबीर साहब ने क्या कहा है? जे ही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मौत का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, उसकी याद करके मेरे मन में आनंद आ जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ कि कब ये शरीर छूटे और कब पूर्ण परमानंद के सागर में मैं निमज्जन करूं। इसका मतलब ये नहीं कि कबीर जीवन में दुखी थे, जीवन में आनंद जी रहा था, लेकिन जब तक शरीर है ज्ञानी को भी ठंडी गर्मी सहन करना पड़ता है। कोई ज्ञानी हो गया तो अब ठंडी नहीं लगेगी क्या? कोई ज्ञानी हो गया तो अब गर्मी नहीं लगेगी, सूरज का ताप नहीं लगेगा? ज्ञानी हो गया तो क्या भूख प्यास नहीं लगेगी? क्या ज्ञानी हो गया क्या मच्छर नहीं काटेगा क्या? भाई ज्ञानी आदमी इसको नहीं काटूंगा? अरे जब तक जीवन है तब तक तो शरीर के भूख प्यास ठंडी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता कीड़े मच्छर मकोड़ा ये सबको तो सहन करना पड़ेगा ना, ये उपाधि शरीर की है। और शरीर नहीं रह गया तब ये सब खत्म। तो बात यह है कि रोते रोते पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति का नियम है, हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन शिकायत करते हुए जीना इसे बदल सकते हैं।
रोते रोते पछताते पछताते मरना, इसे बदल सकते हैं। यदि अंतिम समय में मन में कोई क्लेश है, कोई पछतावा है, शिकायत है, तो समझना जीवन को मैंने सही ढंग से नहीं जिया है। और कोई क्लेश नहीं मन में, कोई पश्चाताप नहीं है, आनंद, ये अनुभव हो कि जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर लिया है, अब कोई बाकी नहीं है, आनंद प्रसन्नता है, तो समझना जीवन को सहन से जिया है, ये जिंदगी की जीत है। दुनिया से तो सबको जाना है आज या कल, यहाँ रुकने के लिए कोई आया नहीं है, लेकिन जिंदगी की बाजी हार करके नहीं जीत करके जाना होगा। और पैसे से नहीं होगा, पद से नहीं होगा, प्रतिष्ठा से नहीं होगा, गुरु बाबा बनने से नहीं होगा, जीवन को शोधने से होगा, जीवन के आचरण से, कर्म से होगा, मन की निर्मलता से होगा। तो कुशल कहाँ है? यदि मन में चिंता है, भय है, तनाव है, फिकर है, नींद नहीं आ रही बराबर, कहाँ कुशल है? खाने के समय जब भोजन समय हुआ, खाने के समय खुल करके भूख लग जाती है और खाया हुआ भोजन आराम से पच जाता है, रात में बढ़िया नींद आ जाती है, ये आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति होगी। और संपत्ति बाहर तो करोड़पति आप हैं, बहुत जमीन है, बहुत जायदाद है, बड़ा मकान है, खूब रुपये पैसे, खूब व्यापार बट्टा है, बड़ा परिवार है, भोजन के समय खट्टी डकार आ रही, भूखी नहीं लग रही है, रात में सोते हैं तो बदल रहे करवट, नींद नहीं आ रही है, आप महादरिद्र आदमी हैं, याद रखना। बाहर का धन क्या करेगा जब खा भी नहीं पा रहे हो, एक रोटी खाते हो खट्टी डकार आती दिन भर, रात में बढ़िया बिस्तर तो है, डनलॉप का बिस्तर है, एयर कंडीशन कमरा है, रात में नींद नहीं आ रही, तो आपके पास है क्या? दरिद्र तो हो ही। बाहर का धन धन नहीं है, मन का धन, खुल करके भूख लगना, खाया भोजन पच जाना, रात में बढ़िया नींद आना और मन का हृदय प्रसन्न और प्रसन्न और निर्भय रहना, इससे बड़ा धन, इससे बड़ी कमाई और क्या होगी? लेकिन इस कमाई की तरफ आदमी का ध्यान नहीं है। अब पैसा कमाओ, मैं मना नहीं करता कि आप पैसा मत कमाओ, खेती से, नौकरी से, व्यापार से, किसी से आप पैसा कमा सकते कमाओ, लेकिन वो धन आपका अंतिम समय में काम नहीं आएगा। अंतिम समय क्या, आज ही काम नहीं आएगा? नींद नहीं आ रही, भूखी नहीं लग रही है, कौन सा काम? तो चिंता उसकी तो है कि मेरा धन कैसे बढ़े, परिवार कैसे बढ़े, मकान कैसा बढ़े, चिंता मन की है, कहाँ है? तो अब मैं सर्व कुशल करे मानिया, सदगुरु कहते हैं अब तो मेरे लिए हर समय कुशल मंगल ही कुशल मंगल है, क्योंकि बाहर से चाहने कुछ पाने की इच्छा ही खत्म हो गई, कोई चाहना ही नहीं रह गई, जब चाहना ही नहीं है तो दुख कहाँ है, परेशानी कहाँ है? संतोष है मन में, और मन में संतोष है तो घाटा कहाँ है, भय किसका होगा? आप सावधानी पूर्वक जीवन जिए, कहीं भी हो हर जगह सावधानी की आवश्यकता है। घर में रहते हैं, घर से कहीं बाहर निकल रहे हैं, फाटक बंद कर दें, जहाँ ताला लगाना है लगाना है ताला लगा दें, और जो करना सावधानी कर दें, उसके पश्चात निश्चिंत हो जाए, फिर जो होना होगा होगा, क्या होना होगा
किसी जीवन में कैसी घटना घटे ये क्या पता है। अपने ओर से हमें हर बात में, खाने में, पीने में, सोने में, जा उठने में, बैठने में, चलने फिरने में, काम धाम करने में, कहीं और में, सब जगह सावधानी की आवश्यकता है। हम सावधानी रखें और फिर निश्चिंत रहें। मन की निश्चिंतता और मन की निर्भयता, सारा कुशल मंगल इसमें है। वैसे हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो पूछते हैं, कहो भाई क्या हाल चाल, कुशल मंगल? हाँ महाराज, आपकी कृपा है महाराज, आपकी दुआ है, ऊपर वाले की दुआ है, कुशल मंगल है, सब यही कहेंगे ना। आप भी जाते हो रिश्तेदार में, कहो भाई क्या हाल है भैया, ऊपर वाले की दया है, आपका आशीर्वाद, सब कुशल मंगल है। अभी जो व्यक्ति कह रहा है महाराज आपकी कृपा है, सब कुशल मंगल है, उनसे पूछो कोई दुख, इतना दुख सुनाएगा कि सुनना मुश्किल पड़ जाएगा, कहाँ कुशल मंगल है। झांके भीतर मन को, निश्चिंत है या निर्भय है मन, तनाव में डूबा है या प्रसन्नता में डूबा है, ये आपके अतली कमाई है, इसमें कुशलता है। और ये कुशलता आपको कोई देगा नहीं, आपके पास है। संत और गुरु या कोई दूसरा केवल रास्ता बताएंगे, प्रेरणा देंगे। काम हमें ही करना होगा, हम काम नहीं करना चाहते, संयम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, मात्र आशीर्वाद। आपका परिश्रम आशीर्वाद बनेगा। आप परिश्रम करते रहे, मेहनत, जहां जैसी जैसा चाहिए, सोच विचार कर, समर्पित होकर के, डूब करके, एकदम डेडिकेट होकर आप परिश्रम करें, आपका परिश्रम ही आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। अब मेहनत नहीं करोगे, आशीर्वाद कर बैठे रहोगे, किसी का आशीर्वाद काम नहीं आने वाला है। इसलिए कहीं आशीर्वाद मांगने के लिए मत जाओ, डूब करके मेहनत करो, डूब करके काम करो, बस अपने हर कसर से आशीर्वाद आशीर्वाद मिलेगा, संभाल नहीं पाएंगे। तो अब मैं सर्व कुशल करी मांग दिया, सदगुरु कहते हैं अब मैं तो हर जगह कुशल ही कुशल मंगल है, क्योंकि इच्छा नहीं मन में, तृष्णा नहीं मन में, कामना नहीं मन में, अहंकार नहीं है मन में, किसी के लिए राग द्वेष नहीं है मन में, बस प्रेम है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, करुणा है, संतोष है, कुशल ही कुशल है ना। शांति भई जब गोविंद जानिया, जो गोविंद को जान लिया तो जीवन में शांति आ गई। ये गोविंद कौन? गोविंद का अर्थ होता है कृष्ण सीधे, लेकिन कृष्ण को श्री कबीर साहब उपास्य नहीं मानते, और शब्द लेते हैं समाज में जो प्रचलित शब्द है, वो प्रचलित शब्दों का प्रयोग साहब करते हैं, राम कहते हैं, हरि कहते हैं, सारंग पानी कहते हैं, गोविंद कहते हैं, गोपाल कहते हैं, रघुराई कहते हैं, लेकिन उनका अर्थ बाहर नहीं, भीतर, अंतरात्मा। तो शांति भई जब गोविंद जानिया, जो गोविंद को जान लिया, आत्म तत्व को समझ लिया, जिस परमात्मा को, जिस ब्रह्म को, जिस खुदा और गाड को पाना चाहता था, वो बाहर कहीं नहीं, वो तो मेरा अपना अस्तित्व है, मेरा होना, मेरा स्वरूप है। स्वरूप का बोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, भटकना बंद, क्योंकि परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा मिला मिलाया है, केवल हमारे मन की जो गंदगी है वो पर्दा है, अहंकार पर्दा है, अहंकार का पर्दा फटा, विकारों का पर्दा फटा, गंदगी का पर्दा फटा, हाजिर हुजूर विद्यमान है, खोजना कहाँ है, भटकना कहाँ है। तो ये जब पता चल गया कि वो गोविंद, वो राम, वो परमात्मा मेरा अपना आपा है, मेरा अपना अस्तित्व, मेरा होना है, मैं खुद हूँ, तो भटकना बंद, मन की चंचलता बंद, तो जीवन में शांति आ गई। अब अशांति का कोई कारण रह ही नहीं गया है, यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। बाहर कितना भटक ले, कितना भटक ले, मिलेगा कुछ नहीं, जो मिलेगा छूट जाएगा, और जो मिलता है छूटता है, आता जाता है, वो परमात्मा नहीं होता, वो तो माया की चीज़ है,
दुनियावी चीज है, संसारी चीज है, और संसारी मायक चीज से किसी को तृप्ति मिलती नहीं है, संतोष मिलता नहीं है, असंतोष उसका परिणाम होता है। भटकना नहीं है, मन को अंतर्मुख करना है, अंतर्मुख करने के पहले मन को निर्मल निर्विकार बनाना है। अच्छी संगत, साधु संगत, सत्संग, स्वाध्याय और निरंतर के आत्मशोधन, इनके द्वारा जब हमारा मन निर्मल निर्विकार हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा, तो मन राम बन जाएगा। अब फिर असली जो राम है उसका परिचय मिल जाएगा, भटकाव बंद, जीवन में शांति शांति, आनंद ही आनंद। सदगुरु कबीर के पद, उसकी तीन पंक्तियों पर मैंने थोड़ी चर्चा की, शेष पंक्तियों पर समय रहेगा तो अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। इस समय आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।